गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, मैं आज आपको हिंदी में सर्वनाम के बारे में आपको बताऊंगी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सब सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि संज्ञा जो होती है वो नाम वाले शब्द होते हैं, तो बार बार हम किसी को नाम के साथ नहीं बुला सकते, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उन नाम की पूर्ति कर देते हैं, तो उन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वही जो नाम वाले शब्द होते हैं उनके स्थान पर हम जो दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, आप आदि, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। आगे है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पाँचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति जो वहाँ उपस्थित नहीं है उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी एक तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला होता है और तीसरा जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं और जो वहाँ नहीं है उसके लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उपरोक्त बातों के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं किए गए हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो बच्चों, सबसे पहले उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष वो होते हैं जिसमें बोलने वाला होता है, मध्यम पुरुष में सुनने वाला होता है और अन्य पुरुष में जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं या जिसके बारे में बातें हो रही हैं वो होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला अपने लिए मैं, हम, मुझे, इस तरह के शब्द यूज़ करेगा। सुनने वाले के लिए हम तुम, तू, आप, ये शब्द यूज़ करेंगे और जिसके बारे में बातें हो रही है और जो वहाँ नहीं है उसके बारे में हम वह, वे और उसे शब्द यूज़ करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर जो आपका हाफ अध्याय है सर्वनाम का, कल वो लेके फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।